मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में घंटा आएगा उस घंटे को दबाइए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाइए। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे गाँव में जो खेती वालों का यानी किसानों का जो नुकसान हुआ है इस अतिवृष्टि की वजह से, ढगफुटी की वजह से, उस नुकसान के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बादशाह ने तो कहा था कि पहले का जो वीडियो था एपिसोड नंबर 4 वो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। वो आखिरी वीडियो ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे गांव के कुछ किसानों ने मुझे फिर से बुलाया, कहा कि बादशाह भाई हमारे भी खेत में बहुत सारा नुकसान हुआ है, हमारे भी खेती का जो है वो रिकॉर्ड करो आप। तो उनके कहने पर मैंने क्या किया है, उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को मैंने अपने कैमरे पे कैद किया है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आता आपण आलेलो आहोत आमच्या गावातील अजून एक शेतकरी धोंडप्पा कलशेट्टी साहेब यांच्या शेताकडे। रोडला लागूनच त्यांचे शेत आहे आमच्या गावाला। गावात आल्यानंतर सर्वात पहिले शेत त्यांचेच लागते। त्यांच्या पण शेतामध्ये जे आहे पावसा कंटिन्यू पडलेल्या पावसामुळे जे अतिवृष्टी झालेली आहे आमच्या गावामध्ये, त्या अतिवृष्टीमुळे पूर्ण प्रमाणात आमच्या गावातील यांचं जे शेत आहे हे पूर्णपणे नाश झालेलं आहे। यांचं या ठिकाणी मक्याचं पीक होतं, ते पूर्ण पीक व त्याच्यासोबत जे चारा असते मक्याचा ते सुद्धा जे आहे या ठिकाणी नाश झालेलं आहे। त्यांनी सगळे मका वगैरे पण तोडून जमा करून ठेवलेले होते, ते सगळा मका, तोडलेला मका सुद्धा खराब झालेला आहे या ठिकाणी पावसामुळे। आणि त्यामुळे जे आहे त्यांचं जी मक्याची जी क्वालिटी आहे ती पूर्णपणे खराब झालेली आहे आणि बाजारपेठेमध्ये त्या मक्याला चांगले भाव भेटणार नाही। तर तुम्ही बघू शकता इथे किती पाणी थांबलेलं आहे। मी खूप दिवसानंतर आलो, परंतु या ठिकाणी जेव्हा पाऊस पडलं होतं तेव्हा खूप जास्त प्रमाणात पाणी भरलेलं होतं या ठिकाणी। आणि त्यांच्या विहिरीचं पण व्हिडिओ जे आहे मी काढलेलं आहे, ते तुम्ही पुढे बघू शकता। तर ती विहीर पण प्रचंड प्रमाणात भरलेली आहे त्यांची। आता आपण आलेलो आहोत आमच्या गावातील कलशेट्टी साहेब यांच्या शेतामध्ये। तर यांची ही विहीर जी आहे पूर्ण तुडुंब भरलेली आहे। 25 वर्षांमध्ये हे पहिल्यांदा एवढं पाणी या विहिरीला आलेलं आहे। या ठिकाणी या विहिरीला शिड्या सुद्धा आहेत। हे आमच्या गावातील एकुलती एक विहीर आहे ज्याला एवढे चांगल्या प्रकारे जे आहे बांधले गेलेले आहे। तुम्ही बघू शकता खाली पूर्ण शिड्या ज्या आहेत पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडलेल्या आहेत। आणि खाली एक कमान आहे ज्यातून तुम्ही जे आहे विहिरीमध्ये जाऊ शकता। परंतु आता जे आहे पाणी पूर्ण भरल्यामुळे पूर्ण विहीर जी आहे, पूर्ण रस्ता जे आहे ते बंद झालेला आहे आणि आत जाणे पूर्णपणे कठीण आहे। नाहीतर जेव्हा पाणी खाली होतं तेव्हा आमच्या गावातील मुलं सगळे आत जाऊन पोहायची, परंतु आता ते असंभव झालेलं आहे पूर्णप्रमाणे। अभी हम व्हिडिओ देखेंगे। हमारे गाव के एक शेतकरी है जिनका नाम गुरव सर है। तो उनकी खेती जो है 30 एकड़ की खेती है, तो उसमें से 20 एकड़ जो जमीन है उनकी वो पूरा पानी के अंदर है। तो आप जो है उस वीडियो को जो है आगे देख सकते हैं।
आप में से बहुत से लोगों ने मुझको पूछा कि बादशाह तू ये नुकसान के जो वीडियोस हैं वो क्यों बना रहा है, इन वीडियोस को बनाने के पीछे का तेरा मकसद क्या है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मेरा मेन मोटो क्या है पता है क्या, मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैं अपने माँ बाप को जो है खेती में मेहनत करते हुए देखता आ रहा हूँ बचपन से, जब से मैं छोटा था तब से अभी तक रोज मेरे माँ बाप जो है दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, हर एक वक्त हर एक मिनट वो अपना खेत के अंदर गुजारते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब भी मैं किसी किसान को परेशानी में देखता हूँ, जब भी किसी किसान का नुकसान होते हुए देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी ये नुकसान हुआ है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना, उन लोगों तक पहुँचाना जो इन किसानों को मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ सरकार जो है वही मदद कर सकती है किसानों को, किसानों को मदद जो है पूरी दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। जब भी कोई किसान आपके घर तक आए, आपके मार्केट तक आए कोई मटेरियल बेचने के लिए, तो आप उससे ज्यादा अच्छे भाव में उसके पास से मटेरियल लो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे दे के उसके मटेरियल को खरीदो, बरोबर रीजनेबल वैल्यू के अंदर उसके मटेरियल को खरीदने की कोशिश कीजिए, उससे उसकी मदद होगी। हम किसानों को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी दुष्काल निधि की जरूरत नहीं है, हम सभी को जरूरत है तो लोगों के सपोर्ट की, लोगों की मदद की जरूरत है हमें। आप सिर्फ हमारे मटेरियल को अच्छी तरीके से लीजिए, अच्छे भाव के अंदर खरीदिए, बिना किसी बार्गेन के अच्छे भाव के अंदर खरीदिए, तो फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी गुजारिश जो है सिर्फ सरकार से नहीं है, सरकार के सामने इस वीडियो को नहीं रखना है, मुझे इस मुद्दे को नहीं रखना है, इस मुद्दे को मुझे पूरे भारत देश के हर एक नागरिक के सामने रखना है जो हर किसान की मदद कर सकता है। तो प्लीज इन वीडियोस को देखिए, पांचों एपिसोड्स को देखिए और जितना हो सके उतना सभी लोगों के अंदर इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले, लोग जागरूक हो और लोग जो है किसानों की मदद करने के लिए शुरुआत करें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो सीरीज के पिछले वीडियोस को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कीजिए और कुछ और देखने के लिए नीचे वाली वीडियो को क्लिक कीजिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।